हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जिसमें मैं एमसीक्यू लेके आया। इससे पहले नए बच्चों को बता देना चाहता हूँ जो मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जिसमें छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्ले लिस्ट दबाकर सारी चीजों को देख सकते। मैंने इस क्वेश्चंस को बताने से पहले एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सरसरी तौर पर आप लोगों को मैंने एक याद करवा देना चाहता हूं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम वैसे तो 1929 में शारदा एक्ट, सुनते जाइए बस, वो केवल 1929 में शारदा एक्ट के तहत ये बनाया गया था। फिर इसको हमने यहाँ पर देखा कि 2006 में याद रखेंगे इसका संशोधन हुआ है। 2006 में भारत गणराज्य के 97वें वर्ष में इसका संशोधन हुआ। टोटल इसमें कितनी धाराएं हैं? टोटल 21 धाराएं हैं यहाँ पर चीजों में। हमेशा याद रखना जो पहला धारा होता है वो उसका विस्तार होता है। इसका विस्तार कहां से होगा? इसका विस्तार जम्मू कश्मीर छोड़कर संपूर्ण भारत, चूंकि 370 हटा दिया गया था इसलिए जम्मू कश्मीर का कोई महत्व नहीं होगा, संपूर्ण भारत में होगा। लेकिन फिर भी एक चीज जरूर याद रखना, यहां पर जो पांडिचेरी हुआ, पांडिचेरी संघ राज क्षेत्र के रेंसाओं में ये लागू नहीं होगा। तो हमको क्या याद रखना है, ये सब जगह लागू होगा लेकिन पांडिचेरी के यहां पांडिचेरी जो है वहां पर जो आपका जो परंपरागत नियम होता है पांडिचेरी की बात किया जाए, जो संघ राज क्षेत्र है यहाँ के रेंसाओं में ये लागू नहीं होगा। दो में हमेशा याद रखना, दो में क्या होता है, परिभाषा रहता है। अब दो में जो परिभाषा दिया रहेगा तो दो का की बात दो परिभाषा को बस याद रखना। दो का में बालक को परिभाषित किया गया। बालक में दो कैटेगरी है, अगर बालक है तो 21 वर्ष होना चाहिए, लड़का है और लड़की है तो 18 वर्ष होना चाहिए। और खा में याद रखना विवाह, बाल विवाह को परिभाषित किया गया। बस इतना इसमें देखना है कि बाल विवाह को परिभाषित किया किसमें, दो खा में। और हमेशा याद रखना किसी भी धारा में जो दो होता है, अधिनियम दो होता है, जो धारा दो हमेशा परिभाषाओं पर आधारित होता है। इसके अलावा जो आपको इस खंड में देखना है कि तीसरा में आ जाएगा धारा तीन, क्या कहता है धारा तीन, सीधा सीधा इस प्रकार का बाल विवाह शून्य करनी इसको घोषित किया गया है। शून्य करनी ये बता दूंगा बाद में कि शून्य करनी क्या होता है, तो शून्य करनी बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथा में भरण पोषण, भरण पोषण अगर मान लो विवाह हो गया तो लड़की का विवाह कर दिया गया बाल विवाह और उसको आप हटा देते हो तो भरण पोषण उसका कौन करेगा, इसका जो दिया गया डिसाइड में भरण पोषण का वो दिया गया है आपका धारा चार में। इसी प्रकार आपको आता है कि धारा पांच में, धारा पांच में भी याद रखना भरण पोषण के संबंध में है लेकिन जो उससे अगर बच्चा उत्पन्न हुआ उसका भरण पोषण कौन करेगा, ये धारा पांच में। धारा छह में जो बच्चा पैदा होगा वो धर्मज होगा ये कहा गया है। धारा सात का जो इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बाद सीधा नौ में आएगा दंड की व्यवस्था। नौ में दंड की व्यवस्था, नो ऐसा काम मत करो, नो करो, इसमें दंड की व्यवस्था होगी। इसमें दंड की व्यवस्था पुरुष वर्ग को दिया गया है और पुरुष वर्ग की महिलाओं को इसमें दंड नहीं हो सकती, भी याद रखना पुरुष वर्ग के लिए यहां पर दिया गया। और याद रखना पूरे उसमें ये 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना, 2/1 बस याद करो, हर में एक ही दंड का प्रावधान, 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना। 10 में भी दंड का व्यवस्था किया गया है, इसमें जो 10 में दंड की व्यवस्था जो अनुष्ठान अनुसार पंडित पंडित जो करवाते हैं उनके लिए। 11 में भी दंड की व्यवस्था में, 9 10 11 में दंड की व्यवस्था किया गया, 11 में उनके लिए जो जानबूझ के शामिल होते हैं। तो 9 में जो होगा पुरुष वर्ग, जो 18 साल से ज्यादा उम्र का लड़का अगर शादी कर रहा है तो वयस्क है तो उसको दंडित हो जाएगा। अगर पप्पा मम्मी करवा रहे हैं तो पप्पा को सजा हो सकती है, और अगर आप जानबूझ के शामिल हो रहे हैं अनुष्ठान करने वाले पुरोहित हो तो आपको सजा होगी, जानबूझ के शामिल हो रहे तो आपको सजा होगी। इतना आपको देखना है। 12 में अगर बोला गया है कि यह शून्य होगा, इस अगर कोई बाल विवाह उठा के आपको ले जाते हैं और जबरन शादी किया जाता है तो पहले से यह शून्य हो जाएगा। और धारा 15 में जो बोला गया है इसको धारा को संज्ञेय और अजमानती, संज्ञेय और अजमानती बनाया गया। बस यार खत्म, फंडा खत्म। अब हम आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ज्यादा बोर ना करते हुए सीधा हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं और इतना ही जो बताया हूं उतना ही आपको ध्यान में रखना था। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार खालिस्तान वर्ष से कम आयु के लड़के और खालिस्तान वर्ष से कम आयु के लड़की को नाबालिग माना जाता है। 18 21 21 18 18 18 21 21 21। अब आपको यह पता है कि 18 21 होगा लेकिन इसके अनुसार देखो बाल विवाह प्रतिषेध 2006 वर्ष के कम से कम आयु के लड़के, लड़के बोलेंगे तो 21 और वर्ष आयु के लड़की बोलेंगे तो 18, मतलब आंसर आपका बी आएगा, ए नहीं।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। कब स्वीकृति प्राप्त हुई? 10 जनवरी 2006, 10 जनवरी 2007, 20 फरवरी 2006 या 20 फरवरी 2007। सही आंसर भी आएगा 10 जनवरी 2007। माने आप ऐसे याद कर लो कि 10 साल के बच्चे लोगों का शादी मत कराओ यहाँ पर, और ये लागू हुआ तो यहाँ पर जनवरी पहला महीना, 10वां महीना आगे बढ़ जाओ, 10 महीने आगे बढ़ जाओगे तो एक याद रखना 1 नवंबर आ जाएगा 2007 को लागू हुआ यहाँ पर, तो ऐसे करके याद करना। चलिए क्वेश्चन पूछ भी दिया गया है जहां पर मैं बता दिया था यहाँ पर क्वेश्चंस को कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पूरे देश में कब लागू हुआ, तो अभी मैंने आपको बता दिया था 1 नवंबर 2007, 1 नवंबर 2007 को ये लागू हुआ। आप ऐसे भी याद करना है, इसको याद कराने के लिए जो भी बाल विवाह रोकता है रुकवाता है एक नंबर का काम करता है, 1 नवंबर, बस अक्सर इसी को पूछा जाएगा कि कब लागू हुआ है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालक शब्द से तात्पर्य है ऐसे पुरुष जो 21 वर्ष से कम हो, ऐसी स्त्री जो 18 वर्ष से कम हो, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। ये भी बोला गया जो पुरुष होगा 21 वर्ष से कम हो, जो स्त्री हो 18 वर्ष से कम हो, मतलब ए और बी दोनों इसमें आएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने है पुरुष संविदाकार पक्षकार महिला संविदाकार पक्षकार को कब तक भरण पोषण का भुगतान करेगा, तो भरण पोषण के संबंध में जैसे मैंने कहा था ये चार में धारा चार में भरण पोषण के संबंध में कहा गया पुरुष से पूरा भरण पोषण नहीं केवल महिलाओं को भरण पोषण की बात की गई है, तो उसके व्यस्त होने तक उसके पुनर्विवाह तक उपयुक्त ए बी दोनों या तो ए या तो बी। सही आंसर धारा चार में उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण की बात कही गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16(1) के अधीन कौन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकता है, राज्य सरकार, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट। सही आंसर इसका इसका जो आएगा छठवें का ए, राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है, धारा दो का, धारा दो खा, धारा दो का, धारा दो खा, दो खा, दो का में बालक को परिभाषित किया, दो खा में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 6 के अनुसार बाल विवाह से जन्मे बालक समझे जाएंगे धर्मज बालक, अधर्मज बालक, अवैध बालक, इनमें से कोई नहीं। धारा 6 कहता है ऐसे बालक जो बाल विवाह से पैदे हुए हैं धर्मज बालक समझे जाएंगे। क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अधीन किसी वयस्क पुरुष को दंडित करने के लिए वयस्क पुरुष की आयु क्या होनी चाहिए, 16 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष से अधिक, 24 वर्ष से अधिक। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, लड़का है तो बाल विवाह 21 के अंडर भी कर रहा तो बाल विवाह आता है, और लड़की है तो 18 वर्ष से कम है तो बाल विवाह आता है, तब लड़का 21 साल का माने 20 साल अब इसमें बोला 21 साल तक दंडित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि लड़के लोगों की या कोई भी वयस्क होने की आयु कितनी है, 18 साल, और यहाँ पर और दंडित किया हो रहा वयस्कता को लेकर किया जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर बी आ जाएगा 18 वर्ष से अधिक। अगर आप 18 वर्ष से अधिक हो और जानबूझकर आप विवाह करते हो बाल विवाह तो आप दंडित होंगे, आप दंडित हो सकते हैं या होंगे, तो 9वां का आंसर बी आएगा। क्वेश्चन है 18 वर्ष से अधिक के किसी वयस्क पुरुष द्वारा किसी बालिका से विवाह करने पर दंड क्या होगा, मैंने पहले ही दंड के बारे में बता दिया था, फिर भी आपको ऑप्शन है कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो या जुर्माने की जो 1,00,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों यहां पर कठोर कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष हो या जुर्माने या 2,00,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो या जुर्माने या 5,00,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों या कठोर कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो या जुर्माने जो 1,00,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों। पहले जब पढ़ाते वक्त मैं हल्के से आपको बताया था, याद दिला रहा था, इसमें हर में एक याद रखें, 2/1 याद कर लो यार, 2/1 माने यहाँ पर 2 वर्ष का कारावास और 1,00,000 का जुर्माना, इसमें कॉमन चीज है 2/1,
तो यहाँ पर होगा कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना 1,00,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों लगाया जा सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अधीन किसे कठोर कारावास द्वारा दंडित किया जा सकता है? बालक स्वयं को, बालक के पिता को, बालक के माता को, इनमें से सभी। क्योंकि बालक को नहीं किया जा सकता अगर उसकी आयु 18 वर्ष से कम है। अब आता माता को भी नहीं किया जा सकता, यहाँ पर माता या महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, दंडित होगा उसका पिता, बालक का पिता यहाँ पर दंडित होगा। तो 11 का जो सही आंसर जो आपका आएगा वो बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बाल विवाह को विखंडित करने की याचिका दाखिल किया जा सकेगा जहां प्रतिवादी या संतान निवास करता है, जहां विवाह संपन्न हुआ था, जहां पक्षकार गण ने एक साथ अंतिम बार निवास किया था, उपयुक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त किया है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह अवच्छेद अधिनियम 1929 और इनमें से कोई नहीं। तो ये बाल विवाह प्रतिषेध होना था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ये 1929 को ही इसके द्वारा निरस्त किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो मैंने पहले ही कहा है कि बाल विवाह को अगर ख में परिभाषित किया गया है तो बालक को धारा 2 क में परिभाषित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार पुरुष बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी नहीं की हो 16 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु या 21 वर्ष की आयु। सही आंसर डी आएगा, 21 वर्ष की आयु। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसने पूरी नहीं की है 16 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु। सही आंसर डी आएगा, 18 वर्ष की आयु। क्वेश्चन है, शारदा एक्ट लागू होने के समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो आएगा लॉर्ड इरविन। यहाँ पर 1929 में यहाँ पर बाल विवाह अधिनियम यहाँ पर लाया गया था। तो यहाँ पर जब एक्ट लागू हुआ, यहाँ पूछा एक्ट लागू हुआ तो 1929 के समय लॉर्ड इरविन के समय ये लागू हुआ। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह संपन्न करता है तो उसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत सजा होगी, बार बार 2 साल का कारावास, 1,00,000 का जुर्माना, 2/1 आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत बाल विवाह शून्यकरण माना गया है? धारा 3, धारा 5, धारा 10, धारा 12। सही आंसर ए आएगा, धारा 3। धारा 3 में पहले ही बता दिया हूँ, धारा 3 इसको क्या मानता है, शून्यकरणी माना जाता है। एक शून्य होता है उस किसी भी तरह से उसको वैध नहीं बनाया जा सके, जिसे किसी भी तरह से वैध नहीं बनाया जा सके वो शून्य। शून्यकरणी का मतलब होता है, शून्यकरणी माने किसी, अब मान लो 15 साल और 16 साल में उन लोगों का विवाह हुआ, बच्चे लोगों का, अब उन लोग का आयु बढ़ गई है, एक का हो गया 18 साल से लड़की ज्यादा हो गई, लड़का 21 साल से ज्यादा हो गया, अब पहले का डिसीजन के आधार पर अब तो शून्य को क्या बनाया जा सकता, शून्यकरणी को वैध बनाया जा सकता है, इसीलिए हमने इसको शून्यकरणी कहा है। अगर किसी को पता ही ना चले, किसी रिपोर्ट ना करे, तो ऐसी अवस्था में जो अगर है तो ये शून्यकरणी का वैध हो जाएगा। लेकिन शून्य हमेशा के लिए शून्य होता, कभी वैध नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह संबंधित है? राय साहब हरविलास, पंडित रविशंकर शुक्ल, जगमोहन प्रसाद मिश्र, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर राय साहब हरविलास शारदा, पूरा नाम है राय साहब हरविलास शारदा, यही बाल विवाह से संबंधित है और इन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह का एंड किया गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट
सुरक्षा बल का प्रयोग कर सकता है। धारा 6, धारा 7, धारा 13 या धारा 20, यहाँ पर ऑप्शन आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, यहाँ पर धारा 3। अक्षय तृतीया के दिन बहुत ज्यादा विवाह होते हैं, उसको रोकने के लिए मजिस्ट्रेट है सुरक्षा बल का प्रयोग कर सकता है, ये बात बोला गया धारा 13 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकेगी? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये संबंधित जितना भी केस होता है ये जो जाता है 22 का आएगा, ए आंसर जिला न्यायालय में दाखिल किया जा सकेगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि बाल विवाह को शून्य घोषित करने के लिए अर्जी कब दी जा सकती है? बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 6 माह पहले, बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व करने के पूर्व, बालक के वयस्कता का आयु प्राप्त करने के 1 वर्ष पूर्व, कभी भी की जा सकती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर भी आएगा, बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व भी आप याचिका दाखिल करेंगे। यहाँ पर अर्जी कब दी जा सकती है? शून्य घोषित करने के लिए 2 वर्ष पूर्व आपको याचिका देनी पड़ेगी। क्वेश्चन हमारे सामने है, बाल विवाह के संबंध में असत्य कथन क्या है? बाल विवाह से जन्मे धर्म अधर्मज होते हैं, बाल विवाह के संबंध में अर्जी जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, बाल विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है, 21 वर्ष से कम उम्र की महिला बालक कहलाती है। तो यहाँ पर असत्य कथन चुनना था, बाल विवाह के जन्मे बच्चे अधर्मज होते हैं, बिल्कुल गलत है, धर्मज होते हैं, और 21 वर्ष से कम उम्र की महिला बालक कहलाती है, नहीं 18 वर्ष से कम उम्र की महिला बालक कहलाती है। 1 और 4 आएगा, मतलब यहाँ पर आंसर ए आएगा, ये दोनों गलत है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बाल विवाह के अंतर्गत नियम कौन बना सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए और बी दोनों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। सही आंसर सी आएगा, केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। क्वेश्चन है 26वां नंबर का आपका, बाल विवाह के संबंध बंधन में आने वाला पक्षकार यदि अवयस्क है तो अर्जी किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? संरक्षक द्वारा, वादमित द्वारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा, उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी द्वारा अर्जी प्रस्तुत की जा सकती है। क्वेश्चन हमारे सामने है, बाल विवाह से जन्मे बालक के भरण पोषण व अभिरक्षा का आवेदन किसके समक्ष किया जा सकता है? तो बाल विवाह से जन्मे बालक का जो भरण पोषण की बात करता है ये धारा 5 करता है। इसके तहत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट, कहां पर अर्जी पेश किया जाएगा? तो जिला न्यायालय में अर्जी पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, बाल विवाह अधिनियम में जिला न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन छांटना है इसमें से, बाल विवाह निरस्त करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दी जाती है, कुटुंब पारिवारिक न्यायालय जिला न्यायालय की परिभाषा में नहीं आता है, प्रारंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय जिला न्यायालय होता है, जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय हो सकता है। अब इसमें गलत कथन हमको छांटना था, 2 चीज यहीं पर गलत नजर आ रहे हैं, कुटुंब न्यायालय भी वास्तव में एक जिला न्यायालय ही होता है, परिभाषा में नहीं आता, गलत है, और जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय हो सकता है, ये भी गलत है। यहाँ पर 2 और 4 यहाँ पर हमको गलत मिल रहे हैं, तो हमको कूट यहाँ पर देखना होगा, 2 और 4 है कि नहीं, तो यहाँ पर 2 और 4 कूट हमको नजर आते हैं, अर्थात बी आंसर यहाँ का सही होगा, 2 और 4। क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर कि बाल विवाह के अंतर्गत अपराधों की प्रकृति कैसी होती है? मैंने पढ़ाते वक्त हल्के से आपको बता दिया गया था, ये जो है सेक्शन 15 में ये बताया गया है कि किस प्रकार होगी इसकी धारा का। तो सही आंसर आएगा बी, संज्ञेय और अजमानती। संज्ञेय वह अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट को किसी को गिरफ्तार कर सकती है, और अजमानती मतलब जिसे जमानत नहीं मिलता। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कार्यों के संबंध में गलत कथन क्या है? बाल विवाह का अनुष्ठान को रोकना, अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए साक्ष्य एकत्र करना, बाल विवाह करने वाले व्यक्ति को दंडित करना, बाल विवाह के मुद्दे पर लोगों को जागृत करना। गलत कथन पूछा है तो ये सी आएगा, दंडित करने का काम उसका नहीं है, दंडित करने का काम केवल न्यायालय का होता है, वो आपको केवल आगाह करेगा, अनुष्ठान को रोकेगा और सूचना देगा।
आपके सामने लास्ट क्वेश्चन इससे संबंधित बाल विवाह संबंधित है। बाल विवाह प्रतिष्ठित अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे। न्यायिक दंड अधिकारी, लोक सेवक, पुलिस या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सही आंसर भी आएगा लोक सेवक समझे जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को